अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज राही बुक्स और राही बुक्स की टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो हमने सोचा कि आज ईद का दिन है तो कुछ मीठा मीठा बनाया जाए और आप लोग के साथ मिलकर बनाते हैं। तो आज हमने जो है वो लबी शीरी का इंतखाब किया, क्योंकि वैसे तो ईद वाले दिन हम लोग सेवैयाँ बनाते हैं या शीरखुरमा बनाते हैं, मगर हम लोग शीरखुरमा पहले ही बना चुके हैं। तो आज हमने लबी शीरी का जो है वो इंतखाब किया है, तो हम बनाते हैं मिलकर और इन्जॉय करते हैं ईद को। आप लोग सुनाएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट डे है, बहुत अच्छा गुजरता है। सब मेहमान आते हैं, हमारे यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं, तो हमने सोचा उनके लिए कुछ मीठा बनाए। तो चले आए, हम बाल बांध लिया है और अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो दूध लिया है, उसे हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और बॉईल जब अच्छा सा हो जाएगा तो उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल अपने घर के हिसाब से बनाया है। मैं भी ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ, तो इसलिए ठीक है ना। चीनी डालेंगे हम, मेरे पास ये 1/2 कप के जितनी चीनी है ये जाएगी, ठीक है। 1 किलो दूध का मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो अब जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर उसमें हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये अच्छा सा जो है इसमें चीनी हमारी घुल चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। ये 1/2 कप में हमने 3 चम्मच जो है वो मिक्स किया है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने ईद वाले दिन क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, ये सब मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो गई है, ठीक है। अच्छा सा हम इसको करेंगे मिक्स। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम पिस्ते, जो कि हमने थोड़े से ही काटे थे और थोड़े से हमने गार्निश के लिए रख लिए हैं, ठीक है। तो ये गए बादाम पिस्ते। तो बादाम पिस्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे जेली। तो हम नहीं शामिल करेंगे, ये हम सेवैयाँ शामिल करेंगे, ठीक है। इसमें सेवैयाँ गई, तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह हिलाएंगे, क्योंकि हमने सेवैयाँ 10 मिनट पहले ही बॉईल कर ली थी। तो टाइम को हमें बचाना है और काम हमें फटाफट करना है, क्योंकि मेहमानों का बिल्कुल आने का टाइम हो चुका है। तो सही है ना। तो फिर इस तरह से ये बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हमारी अब अलग से हो चुकी हैं, तो फिर हम इसमें अब शामिल करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना तो बस इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें जेली अभी नहीं जाएगी, क्योंकि जेली हम सिर्फ गार्निश के लिए रखेंगे। थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा, और सबसे पहले ये कि आज आप लोगों को कहीं जाना होगा, यकीनन हमें भी जाना है, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग जाते हैं अपने ससुराल, और फिर सेकंड डे हमारे अब्बू के यहाँ ही होता है, यानी कि मैं अपने अब्बू के साथ रहती हूँ। तो सेकंड डे सारे अब्बू के घर आते हैं हमारे यहाँ, और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो आप लोग भी इंजॉय करते होंगे, तो जिस जिसने जो जो इंजॉय किया है तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मैं भी आप लोगों से सेकेंड वीडियो पर जब भी मैं बनाऊँ तो उसमें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी सारी मसरूफियात ईद की, ठीक है ना। ईदियाँ भी मिलती हैं, बड़ा मज़ा आता है कि बच्चों की तरह से। वैसे तो अब तो बहुत कम हो गई है हमें ईदियाँ मिलना, पहले तो दबा तब ईदियाँ मिलती थी और जमा करते थे। और फिर एक शौक़ होता है जो कि हर बच्चे को ही साथ ही होता है कि ईदी मिलती है और भागें थी दुकान की तरफ और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लेकर आए, उसे खाएँ और अपनी ईदी जो है अपने तरह से इंजॉय करें। तो हम लोग भी इसी तरह करते थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो फिर अब हम इसमें शामिल करते हैं क्रीम। थोड़ी सी क्रीम हमने गार्निश के लिए भी रखी है और थोड़ी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये चली गई इसमें क्रीम। तो जनाब ये रेडी हो गया है और गाढ़ा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा करते हैं ठंडा, फिर उसमें हम शामिल करेंगे ये टिन, क्योंकि टिन हमारा इसमें अगर गर्म गर्म जाएगा
तो ये सही नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा करेंगे ठंडा। ये हो गया डन, क्योंकि कोरोना है, हमें सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारा आना जाना यहाँ वहाँ सब जगह तकरीबन बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए जाते हैं और एहतियात भी ज़रूरी है, तो ज़रूर जाएँ, हम मास्क पहन के जाएँ और अपने ज़्यादा तदाबीर जो जो हमें बताई गई है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे हमें ही फ़ायदा है। हम अपनी जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, तो इसलिए हर वो कोशिश करें कि जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, नुकसान ना हो, तो और इन्जॉय भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ईद त्यौहार तो रोज़ रोज़ नहीं आती, कभी कभी आती, तो हमें चाहिए कि हम इन्जॉय करें, तो भरपूर इन्जॉय करें मास्क और जो है सैनिटाइज़र लगा कर, ठीक है ना। फिर चलें इसको करते हैं डिश आउट, फिर बाकी चीज़ें हम आपको फिर बताते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसको ठंडा करने के बाद हम ये जो है फ्रूट जो आप डालेंगे, मिक्स फ्रूट कॉकटेल है ये, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये मौजूद था तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है इसका टेस्ट थोड़ा सा। तो अगर आप ना चाहें आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो लेकिन डालिएगा इसको थोड़ा जब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये गर्म में फ्रूट है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, पानी भी छोड़ देता है, तो इसलिए जो है ना इसको ठंडे में ना डालें तो बेहतर है। तो ये हो गया है पूरा, इसमें हमने टिन डाल दिया है, ठीक है, इसको करते हैं फारिक। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स इसमें, और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम चैली की तय लगाएंगे थोड़ी सी, ठीक है, डिश को सजाना बनाना तो ये सब कुछ आपका काम है, आप उसको किस तरह से सजाते हैं, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब तो खैर ये ख्वातीन ही कर सकती हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन ख्वातीन का तो ये बेहतरीन मशाला होता है, और वो चाहती हैं ये कि ईद त्यौहार पर उनकी डिश जितनी लाजवाब बने उनकी वाह वाह उतनी हो, और उनको इन्जॉय भी करते हैं, फिर मज़ा भी आता है, हमें भी मज़ा आता है कि कोई हमारी तारीफ़ करे। तो ये हमने तकरीबन सारी ही डाल दी, थोड़ी सी रखी हमने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर इसको शामिल करते हैं, बाकी हम बताते हैं आपको, पूरा निकाल लेंगे तो फिर बताते हैं, ठीक है। ये देखिए डेकोरेशन भी हो गई आपके जो है स्वीट डिश की, और ये ग्रीन कलर तो बिल्कुल मेरे सूट से भी मैच हो गया है, कोई बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इस पर ग्रीन येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सी बहनों की फरमाइश थी कि मैं लाइव आऊँ, तो मैं आज आप लोगों की खुशी की खातिर और ईद त्यौहार के मौके के लिए मैंने कहा मेरी बहनों की ख्वाहिश थी कि मैं लाइव बनाऊँ, तो फिर इस तरह से मैं लाइव आपके सामने आज कुकिंग की है, तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो फिर अब हम इसको और मज़ीद सजाते हैं, तो फिर आप बने रहिएगा, हम उससे और भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, क्योंकि ईद का दिन है, जितना बोले कम है, मैं तो वैसे ही बोलने में बहुत मास्टर हूँ, तो चलें तो फिर बने रहिएगा, तो दिखाते हैं इसको, फिर मैं आपको साथ रहती हूँ जी। देखें ज़बरदस्ती लबशीरी आप लोग की रेडी हो गई है, जिस बहनों की फरमाइश थी कि मैं लाइव आऊँ और इतनी गर्मी में आप लोगों के सामने इंजॉय करूँ बनाते हुए, तो आज मैंने आप लोगों को लाइव बना के भी दिखा दिया और बहुत जल्दी से बन गई है। कोरोना चल रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करिएगा, और प्लीज़ इस ईद पे ये ज़रूर भूल ना जाना कि मुझे लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, और इंस्टा पे भी मेरा पेज है, प्लीज़ वहाँ पर मुझे फॉलो करना। तो फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आप लोगों को ये शो। नेक्स्ट शो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।